वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले सीरीज, नहीं न्यू गेम प्ले एपिसोड सीरीज। और दोस्तों, इस सीरीज में आपको पता ही होगा कि आपने मेरा पहला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि मैं इस सीरीज में आपको एक्स वाई जेड सीरीज दिखा रहा हूँ। दोस्तों, जो आपने पहली वीडियो पे जो रेस्पॉन्स दिया वो बिल्कुल बढ़िया नहीं था दोस्तों, एक लाइक भी नहीं बनाया, बस दो के दो ही लाइक रह गए दोस्तों। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं हम्बल रिक्वेस्ट दोस्तों, 3-4 सब्सक्राइबर्स हो दोस्तों, मुझे चाहिए 4 वीडियो तक, वरना मैं दोस्तों आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। अगर आप दूसरी वीडियो में अगर आप 2 सब्सक्राइबर कर देते हो तभी मैं आगे कंटिन्यू करूँगा तीसरा एपिसोड, और वरना नहीं। अभी आपके हाथों में कि आप को आप एक्स वाई जेड सीरीज हिंदी में देखनी है क्या नहीं। इसी के साथ बिना कुछ देरी करें हम अपना आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, हमारा एपिसोड कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। शुरू में जो अपने हीरोज होते हैं वो प्रोफेसर सिगमोर से बात कर रहे होते हैं उस नए पोकेमोन के बारे में। ऐश बताता है कि प्रोफेसर सिगमोर, हमें एक नया पोकेमोन मिला है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, हमने अपने पोकेडेक्स में देखा पर कोई जानकारी नहीं आ रही थी पोकेडेक्स में। तो प्रोफेसर सिगमोर कहते हैं कि मुझे उसका घुमा के दिखाओ कि वो किस टाइप का पोकेमोन है। प्रोफेसर सिगमोर कहते हैं, ऐसा पोकेमोन तो मैंने आज तक कभी भी नहीं मैंने भी नहीं देखा है, लगता है ये कोई नई काइंड की स्पीसीज है पोकेमोन की। और ये सब जो बातें होती है वो टीम रॉकेट छुपके छुपके सुन रही होती है, एक चिप लगा के उस बक्से से पे, और फिर वो लोग पीसी पर चिप लगा के सुन रही होती है। टीम रॉकेट प्लान बना लेती है कि उस अनोखे पोकेमोन को पकड़ने का। और फिर जो वो होता है डेडेने, वो जो स्क्विशी होता है वो डेडेने के बैग में सो जाता है। फिर डेडेने को ये अच्छा नहीं लगता है और बॉनी भी परेशान हो जाती है कि अब मैं स्क्विशी को कहाँ रखूँगी और डेडेने को कहाँ पर। तो फिर सेरिना एक आइडिया देती है कि मेरे पास ये किट है सिलाई की, जिससे मैं एक और पॉकेट बना दूँगी तुम्हारे बैग में। और इसी के साथ जो अपनी वो होती है बॉनी, वो बहुत ही खुश हो जाती है ये सुन के, और डेडेने भी खुश हो जाता है। और फिर वो लोग एक ग्राउंड में, एक गार्डन टाइप ग्राउंड में आ जाते हैं, और वहाँ पे वो सेरिना जो अपना स्क्विशी होता है वो एक पत्थर के ऊपर बैठ के सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। फिर सेरिना बोलती है कि लगता है स्क्विशी को धूप में बैठना अच्छा लगता है। तो फिर बॉनी कहती है ओ, और फिर जो क्लेमेंट बोलता है तुम्हें पता है ऐश कि जो ये स्क्विशी है ये सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब करता है। तो ऐश बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो ये स्क्विशी है ये सूरज की रोशनी को खाता है। हाँ ऐश। और फिर जो होती है टीम रॉकेट इन सबकी बात अच्छी तरीके से सुन रही होती है। फिर जैसी कि अच्छी जेम्स कहता है कि वाह, ये कैसा पोकेमोन है जो सूरज की रोशनी को खाता है। टीम रॉकेट फिर मैं कहता है इससे सही पोकेमोन है, इससे हमारा खाना भी बच जाया करेगा। और फिर ये लोग उसको पकड़ने के लिए एक धमाकेदार प्लान सोच रहे होते हैं। और फिर वो लोग जो अपनी सेरिना होती है वो बताती है, सेरिना जो होती है वो बॉनी के लिए बैग तैयार कर रही होती है, और जो बॉनी होती है वो ईवी के बाल काट रही होती है। तभी जब वो बॉनी और सेरिना ईवी काम में लगे होते हैं तभी एक क्वालाडीन ये पोकेमोन जो है वो ईवी को देखता है और उसे प्यार हो जाता है ईवी से। और फिर वो जो होती है सेरिना दिखाती है कि लो बॉनी, तुम्हारा बैग तैयार हो गया। तो वो जो बॉनी होती है वो ईवी, जो डैडेने और क्या नाम है इसका स्क्विशी को अपने बैग में रख देती है, और वो दोनों को बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है इस बैग में, इसलिए फिर बॉनी भी बहुत खुश होती है। और फिर वो जो होती है सेरिना वो शोकेश के लिए वो कर रही होती है तैयारी अपने ईवी के साथ। और तभी एक कॉलरडीन भाग को तभी वही कॉलरडीन जैसे प्यार हो गया था ईवी से, वो भागते भागते आता है जोर जोर से, और फिर वो ये सब सेरिना पेंचम और ईवी उसको देख के चौंक जाते हैं। और फिर वो कॉलरडीन दिल की शेप में वाइल्ड विन अटैक यूज़ करता है। फिर ईवी जो होती है वो प्रोटेक्ट यूज़ करती है उसे अनस्वीकार करते हुए। और फिर जो ऐश होता है अपना वो आ जाता है, और इस पोकेमोन को उसने ऐश ने कभी नहीं देखा होता है, तो वो अपने पोकेडेक्स में देखता है कि ये कौन सा पोकेमोन है। पोकेडेक्स बताता है ये एक कॉलरडीन है, इसकी जो बॉडी है वो गोल शेप में होती है, और ये एकदम शैल टाइप पोकेमोन है, जो इसके शैल का इसका शैल इतना मजबूत होता है कि ये भारी से भारी अटैक तक को झेल सके। और फिर वो ईवी के पास आने की कोशिश करता है पर वो ईवी उससे हट जाती है, उसके पास नहीं आती है। और फिर वो लोग जो पेंचम और चेस्पिन जो होते हैं वो ईवी को प्रोटेक्शन देने के लिए आगे आ जाते हैं, जिससे वो कॉलरडीन उसको अटैक ना कर पाए। और फिर जो कॉलरडीन होता है उन दोनों को देख के बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर जो कॉलरडीन होता है वो वाइल्ड विन अटैक यूज़ करता है, और चेस्पिन यूज़ करता है पेन मिसाइल अटैक, और जो पेंचम होता है वो स्टोन एज अटैक यूज़ करता है। फिर एक धमाका होता है, और फिर जो कॉलरडीन वो होता है अपना कॉलरडीन वो स्पिन अटैक यूज़ करता है, और उन दोनों को मात दे के ईवी के पास पहुँच जाता है। और ईवी अपने कौशल और शक्ति समझ के वो डबल टीम यूज़ कर लेती है, और इतनी सारी ईवी को देख के वो जो अपना कॉलरडीन था वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर ये सब उस कॉलरडीन को देख के चौंक जाता है, कैसा अजीब पोकेमोन है। और फिर वो जो कॉलरडीन होता है वो शुक्रिया करता है सेरिना का, क्योंकि वो जब बेहोश हो गया तो सेरिना ने उसका ध्यान रखा था।
और इस वजह से फिर वो जंगल में जाता है कॉलोडिन और ईवी के लिए फ्लास्क लाता है, पर ईवी उसे इनकार कर देती है। और इसको सुन के कॉलोडिन, देख सकते हो दोस्तों किस प्रकार शॉक हो गया, पूरी तरीके से पूरा हिल गया है। और फिर जो पेंचेमर चेस्पिन होता है कॉलोडिन को मनाने की कोशिश करते हैं, पर कॉलोडिन उन दोनों से ही झगड़ना स्टार्ट कर देता है। फिर कॉलोडिन के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं पेंचन से बैटल करके उसे हरा देता हूँ, जिससे ईवी मुझसे इम्प्रेस हो जाए। फिर वो पेंचन से बैटल करने की ठान लेता है और बैटल स्टार्ट हो जाता है। सेरिना कहती है बचो पेंचन, क्योंकि जो कॉलोडिन होता है उसने वाइल्ड विन अटैक यूज़ करा होता है और पेंचन उससे बच जाता है। फिर सेरिना कहती है डॉच करो, और फिर वो डॉच करके दोबारा बच जाता है उसके स्पिन अटैक से। पर फिर वो जो पेंचन होता है वो साइबीम यूज़ करता है, पर साइबीम से कॉलोडिन को कुछ नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही मजबूत होता है उसका शेल। और फिर वो एक अटैक यूज़ करता है और एक हिट मारी देता है पेंचन पे, और पेंचम पिछड़ जाता है। फिर वो ईवी की तरफ देखता है कि ईवी उस पर ध्यान दे रही है या नहीं, ईवी उससे इंप्रेस हुई या नहीं, पर वो ईवी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही होती है। फिर वो फिर से बहुत ही निराश हो जाता है, रोने लग जाता है। दोस्तों आप देख ही सकते हो किस प्रकार रो रहा है, बुरी तरीके से शॉक हो जाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि मैं चेस्पिन से लड़ूंगा। तो वो चेस्पिन से लड़ने की डिसाइड करता है, जैसे ईवी इंप्रेस हो जाए उससे। फिर वो टैकल यूज़ करता है कॉलोडिन पर, वो जो होता है चेस्पिन में डॉच करके बच जाता है। और फिर वो ऊपर से जो चेस्पिन होता है वो टैकल यूज़ करते हुए आता है शूं देसीना, और दू देसीना दीवार पे लगता है, जमीन पे लगता है, पर उसको कुछ नहीं। और वो जो होता है अपना कॉलोडिन वो उससे बच जाता है। और फिर ये दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं। और फिर जो चेस्पिन वो स्क्विशी और डैडे ने खेल रहे होते हैं उनके बीच में एक सॉफ्ट टॉय आ जाता है उसके स्क्विशी जैसा दिखने वाला, तो वो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो धागे से बंधा होता है, वो टीम रॉकेट की चाल होती है दोस्तों वास्तविकता में, और वो उसका पीछा कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, और तभी अचानक से वो जो होता है स्क्विशी, वो जो सॉफ्ट टॉय का स्क्विशी होता है वो फट जाता है और एक जाल निकल के आता है उसके अंदर से। और फिर कॉलोडिन देखता है कि ईवी मेरे को देख रही है क्या नहीं, पर जो ईवी होती है वो उसे नहीं देख रही होती, ईवी वहाँ पर होती नहीं है, तो वो देख के शॉक हो जाता है। और फिर वो ऊपर देखता है तो पता चलता है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है, मतलब कि पकड़ लिया है। फिर वो सब लोगों को पता चल जाता है कि ईवी और बाकी सारे जो उनके दोस्त हैं ईवी बनल भी स्क्विशी और डैडेनो को टीम रॉकेट पकड़ के ले जा रही है। तो जेम्स एक बॉल फेंक देता है जिसके कारण जो धुआं धुआं कर देता है चारों तरफ, जिससे वो लोग उसका पीछा ना कर पाए। जब तक वो धुआं हटता है वो सब गायब हो जाते हैं। तो ऐश अपने दो पोकेमोन को निकालता है, टेरोल फ्लेम और नॉइवन का स्मॉल रूप, इसका नाम नहीं पता दोस्तों मुझे अभी, उन दोनों को निकालता है और यूँ कहता है टीम रॉकेट का पीछा करो। और फिर वो तीनों दोबारा से झगड़ने लग जाते हैं, पर फिर बाद में वो चले जाते हैं ईवी को ढूंढने के लिए। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों आज का सवाल आता है, अगर आपको इस सवाल का आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और वैसे भी अभी मैं बता देता हूँ, इस सवाल का आंसर है क्वालिटी। और फिर जो होता है वो बनल भी जो होता है उस जाल को अपने दांतों की मदद से तोड़ देता है कुतर के, और फिर वो लोग पानी में कूद जाते हैं। और फिर जैसी बोलती है कि इसका क्रेडिट किसको जाएगा, तो जेम्स बोलता है ऑब्वियसली मुझे, क्योंकि मैंने वो स्मोक बॉल फेंका था जिस वजह से वो लोग हमारा पीछा नहीं कर पाए। तो जैसी बोलती है नहीं, ये मेरे को क्रेडिट जाना चाहिए क्योंकि प्लान तो सारा मेरा ही था। तो टीम मैं तो समझदारी की बात करते हुए बोलता है कि इसका क्रेडिट टीम रॉकेट को जाएगा। तो वो तीनों राजी हो जाते हैं। और फिर वो लोग जैसे जो होती है वो नीचे देखती है, उन पोकेमोन पर नज़र रखती है, पर वो नेट जो होता है वो पठा होता है। तो वो लोग अपने बैलून को मोड़ते हैं और उनके पीछे उन दोनों को, उन पोकेमोन को ढूंढने निकल पड़ते हैं दोबारा से। और फिर जो टेनोफ्लेम और नॉवेन आते हैं वापस, तो ऐश पूछता है क्या तुम्हें ईवी मिली, ईवी और वो बाकी सब पोकेमोन्स मिले? तो टेनोफ्लेम और नॉवेन कहते हैं नहीं। तो फिर ऐश बोलता है जाओ अभी भी उन्हें ढूंढो। ठीक है, और फिर वो लोग जो होते हैं वो फिर से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं कॉलोडिन चेस्पिन वेस्पिन। तो फिर जो ऐश होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें ईवी और बाकी सारे अपने दोस्तों को छुड़ाना है तो हम सबको साथ मिलकर वर्क करना चाहिए। तो इस बात को सुन के कॉलोडिन और तीनों साथ मिलकर वर्क करने की ठान लेते हैं। और इसी के साथ जब वो जा रहे होते हैं ईवी और बनल भी अपने ट्रेनर्स को ढूंढने, तभी आगे से टीम रॉकेट टपक पड़ती है कहीं से, और टीम रॉकेट अपने दो पोकेमोन निकालती है इनके। और दोस्तों इस पोकेमोन का मुझे नाम नहीं पता इसलिए मैं इसका नाम नहीं लूँगा, मैं इसको पंपकिन बुलाऊँगा। ठीक है दोस्तों, पंपकिन जैसा इसलिए मैं इसे पंपकिन बुलाऊँगा। तो ये जो पंपकिन और इनको को चुन लेती है, तो जो टेडी ने होता है वो इलेक्ट्रिक टैकल यूज़ करता है इनके पे, उस पर पड़ जाता है। फिर जो पंपकिन पोकेमोन होता है वो साइबीम यूज़ करता है और वो डैडेने पे पड़ जाता है और डैडेने पीछे हट जाता है। और फिर वो जो बोलती है, जैसी बोलती है जाओ पंपकिन साइबीम यूज़ करो, तो फिर वो होता है बनल भी वो मोस्ट शॉट यूज़ करता है और दोनों के अटैक दूसरे से लग जाते हैं, धमाका होता है बूम। और फिर जो बनल भी होता है वो डिग यूज़ करता है, पर उसका डिग फेल कर देती है। वो पंपकिन जो पोकेमोन होता है वो लीफ सीड अटैक यूज़ कर देती है जिससे बनल भी का डिग फेल हो जाता है।
फिर जाएगा अपने आप को असुरक्षित समझ के उन बाकी सारे पोकेमॉन्स को बचाने के लिए अपना टेन फॉर्म इवोल्यूशन करने वाला था, जब तक वो आ गया ऐश वैश सारे वो लोग आ गए, जब तक वो बाकी सारे जो लोग होते हैं वो आ जाते हैं, और फिर वो तीनों दोबारा से लड़ाई करते हैं। पर जो क्वेलोडिन होता है वो चेस्पिन और पेंचिन को समझाता है कि ऐश ने क्या कहा था कि हम लोगों को साथ मिलकर काम करना है, तो फिर वो लोग मान जाते हैं। और चेस्पिन जो होता है वो उन दोनों को अपनी वाइल्ड वेन से बांध लेता है, और फिर वो जो पेंचिन होता है वो साइबी यूज करता है, और जो अपना वो होता है क्वेलोडिन वो स्पिन अटैक से टीम रॉकेट को उड़नछू कर देता है। और इसी के साथ जब फिर वो दोबारा ट्राई करता है कि ईवी मान जाए मेरी बात, वो दोबारा फ्लावर्स लाता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर ईवी उससे फिर भी इम्प्रेस नहीं होती और वो सेलेना के पीछे चली जाती है, उसको इनकार कर देती है। फिर उसे एकदम ज़बरदस्त शॉक लगता है, दोस्तों आप देख ही सकते हो बहुत ही भयंकर शॉक लगता है। फिर उसे एक फ्लैरियन दिखता है क्वेलोडिन को, फिर वो उसके पीछे उससे प्यार करना स्टार्ट कर देता है और उसके पीछे चला जाता है। और फिर बाकी सब लोग कहते हैं ये तो काफ़ी अजीब पोकेमॉन था। और इसी के साथ आज का अपना एपिसोड खत्म होता है, टू बी कंटिन्यू। दोस्तों अगर अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मुझे 2 सब्सक्राइबर्स चाहिए और 3 लाइक्स तो चाहिए अगर आपको एपिसोड 3 देखना है तो। दोस्तों अगर आपको XYZ का एपिसोड 3 हिंदी में देखना है तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों, प्लीज़।